हे विष्णु जी, योगेश्वरी सती का शव वियोगी शिव के शरीर से जब तक सटा रहेगा, शिव स्वस्थ चित नहीं हो पाएंगे और बिना शिव के स्वस्थ हुए सृष्टि में सुख और शांति कदापि स्थापित नहीं हो सकती। परंतु हे माता, शिवजी के शरीर से सती के शव को हटाने का साहस भला कौन कर सकता है? शिवजी की क्रोधा अग्नि के ज्वाला में जलकर वो भस्म ही हो जाए। हे माता, इस संकट की घड़ी में हमें प्रेरणा दो कि हम क्या करें। हे वासुदेव, मैं अपनी शक्ति को आपके सुदर्शन चक्र में प्रवेश कर देती हूँ, फिर आप अपने चक्र से सती के एक एक अंग को धीरे धीरे काटकर शिव के शरीर से हटा देना। मेरी माया के प्रभाव से सती के गहन भाव में डूबे शिव को पता भी नहीं चल पाएगा और इस प्रकार सती का शव शिव से अलग हो जाएगा। यही जग की और शिव की शांति का एकमात्र उपाय है। जो आ गया माते। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के शव के अंग प्रत्यंग एक एक करके काट दिए। सती का समस्त मृत शरीर 52 अंग भागों में एक एक करके कटता गया और वे अंग भाग धरती पर विभिन्न स्थलों पर गिरते गए। जिस स्थान पर सती के कटे हुए अंग गिरे, वे स्थान शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हो गए। इसी के साथ भक्तों, माता सती और भगवान शिव के मधुर मिलन तथा दुखद वियोग का ये कथानक सती प्रकरण समाप्त होता है। ये तो ठीक है स्वामी जी, मगर मेरे मन में बार बार एक सवाल उठ रहा है। कैसा सवाल? आपने ही बताया था कि सब माताएं एक हैं, पर ये ज्वाला माता, सती माता, जगदम्बा माता, भवानी माता के नाम से क्यों जानी जाती हैं? इसका रहस्य क्या है? भक्तों, अलग अलग नामों से पूजी जाने वाली माताएं माता भुवनेश्वरी का ही रूप है, उनका ही अंशावतार है। हाँ, जब भी अपनी देव भूमि भारत में अधर्म, अन्याय और अत्याचार का बोलबाला होता है, तब तब माता भुवनेश्वरी स्थान, समय और परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग नामों से अवतार लेकर पापियों का संहार करती है। ठीक है स्वामी, हम सब मानते हैं कि भुवनेश्वरी माता विभिन्न नामों से अत्याचारियों का वध करके परोपकारियों की रक्षा करती हैं, परंतु हमें यह तो बताइए कि दुर्गा माता कौन है? भक्तों, दुर्गा माता कौन थी ये जानने के लिए पहले आपको दुर्ग दैत्य की कथा सुनो। स्वामी जी, कृपया हमें दुर्ग की कथा सुनाइए ना। तो सुनो भक्तो, दुर्ग दैत्य की कथा उसके बलवान और पराक्रमी पिता रुरु दैत्य से शुरू होती है। धिक्कार है, धिक्कार! मुझ जैसे अधिपति रुरु के भुजपाल को धिक्कार है। किस काल के काल में समा गया सूर्योद्धा,
जिसके सिंहासन के पायों से बंधे देवता कराते थे। कहां गए असुरवीर जिसके नाम का भय देकर देवताओं की स्त्रियां अपने शिशुओं को रोने से चुप कराती थी? कहां गए असुरपति जिसके आगमन से देवतागण भेड़ बकरियों की तरह भागते हुए दिखाई देते थे? सच, हम सब असुरों को धिक्कार है, हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा मत कही दैत्यराज, ऐसा मत कही। आत्मग्लानी की भाषा आपके मुख से शोभा नहीं देती, ये तो समय की विवशता है और समय की विवशता किसे भी वश नहीं करती। चुप रहिए महामात्य, विवशता की भाषा हमें प्रिय नहीं। जब भी हमें ये ज्ञात होता है कि देवता स्वर्ग में आनंद से अटखेलियां मना रहे हैं, परम रूपवती अप्सराओं के साथ रंग रलियां मना रहे हैं, तो हमारा हृदय भक्ति के भांति धड़क उठता है। ये स्वर्ग सुख हमें क्यों नहीं? क्यों हे दैत्यराज रुरु, ये स्वर्ग का ऐश्वर्य एक दिन आपके चरणों में अवश्य लौटेगा। हम स्वर्ग को देवताओं से छीन कर रहेंगे। परंतु हमें आचार्य शुक्र की समाधि खुलने की प्रतीक्षा करनी ही होगी, क्योंकि वैसे भी आकाशमंडल में नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे। हे वीर कुल शिरोमणि, नक्षत्रों की भाषा कायरों की भाषा होती है। यदि देवताओं ने स्वर्ग का राज्य अपने पूर्व पुण्य की कमाई से प्राप्त किया है, तो वही राज्य हम अपने पौरुष से प्राप्त करके रहेंगे। हे दैत्य शिरोमणि, हमें असुरों के एकमात्र शुभ चिंतक गुरुवर शुक्राचार्य के योग्य परामर्श और आशीर्वाद की प्रतीक्षा करनी ही चाहिए, यही मेरा निवेदन है। हे महामात्य, हजारों हाथियों का बल हमारी भुजाओं का श्रृंगार है, और ये जानते हुए भी आप कायरों की भाषा बोल रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि हम हिमालय को हिलाकर रुई की ढेर की भांति बिखेर कर उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं? हे असुर कुलभूषण, आप सातों समुद्रों को मथनी की भांति मत सकते हैं, यह हमें भली भांति ज्ञात है। परंतु ये सारी शक्ति, ये सारा सामर्थ बिना गुरु के आशीर्वाद के अधूरा है, क्योंकि हमारा संपूर्ण बल ओज और तेज परम तपस्वी गुरुवर शुक्राचार्य ही हैं। ये आप स्वयं भली भांति जानते हैं। परंतु आप भी ये भली भांति जानते हैं कि न जाने क्यों गुरुवर शुक्राचार्य हमारी तेजोमय संघटित शक्ति को कम आंक रहे हैं। मुझे ऐसा आभास होता है कि गुरुवर देवों की शक्ति से भयभीत होकर तपस्या का बहाना बनाकर एकांतवास कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमने गुरु माता के माध्यम से युद्ध करने की उनसे अनुमति चाही तो उन्होंने हमें धैर्य रखो कहकर विदा कर दिया। गुरुवर सदैव हमें इसी तरह का अनर्गल उत्तर देते आए हैं। हे वीरवर महाराज, कटु वचन के लिए इस धूम्रवर्ण को क्षमा कीजिए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच को अपना शिष्य बना लेने के पश्चात आचार्य शुक्राचार्य देवताओं के पक्षपाती हो गए हैं। हाँ हाँ, बृहस्पति पुत्र कच को उन्होंने संजीवनी विद्या भी दान दे दी है, इसीलिए उन्हें हम असुर से कोई मोह नहीं रहा। दुष्ट देवताओं के मस्तक काट काट कर गुरुवर के आश्रम में उनका ढेर लगा देना चाहिए, तभी उन्हें हमारे अपार बल का अनुभव होगा। अन्यथा हम ऐसे ही यशहीन बनकर युगो युगो तक अंधकार में भटकते रहेंगे। आहा असुरराज, धूम्रवर्ण सत्य कह रहे हैं। हमारी वीरता संयम की सीमा लांघ चुकी है, अब हमें युद्ध चाहिए, युद्ध। जय हो मेरे महाबली वीरों, आप सबकी बारंबार जय हो। आप सबके वीर रस से भरी ओजस्वी वाणी ने हमारी महत्वाकांक्षा की अग्नि को और अधिक धधका दिया है। जिसे हमारे युद्ध का निर्णय स्वीकार न हो वो असुर सेना त्याग कर तत्काल चला जाए। क्षमा करें वीरवर, मेरा अभिप्राय युद्ध को पीठ दिखाना नहीं था। यदि आपने युद्ध की घोषणा कर दी है तो सर्वप्रथम मेरी कृपाण म्यान से बाहर निकलेगी। हे असुर वीरों, आप सबके मनोबल और सहमति से कल भोर होते ही हम विजय अभियान का डंका बजा देंगे। वीरवर असुर, महाबली रुरु की जय। वीर